रायपुर में हिंसा के बाद अब एक्शन मोड में सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बस्तर दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, गोंडी भाषा में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, बस्तर वासियों को किया संबोधित। महासमुंद जिले में लागू हुई धारा 144, जुलूस और धरने के आयोजन पर भी लगी रोक। सूरजपुर में जनपद सदस्य ने उठाई जांच की मांग, मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ बस्तर दौरे पर पहुंची हुई है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंदिर में पूजा की। वहीं उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव ने भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गोंडी भाषा बोली अभिवादन के साथ अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि उनके परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। वह यहाँ पर पहली बार आई है, लेकिन बचपन से बस्तर के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। साथ ही प्रियंका गांधी ने आयुष्मान कोर्ट के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। जगदलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दो दिवसीय बस्तर दौरे पर जाने वाले हैं, जो कि 13 अप्रैल को होना है, जहां मुख्य तौर पर जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में बैठक करने के बाद पूर्व सीएम वॉल राइटिंग का शुभारंभ करेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का 13 तारीख को जगदलपुर आगमन हो रहा है। बाई एयर वो रायपुर से जगदलपुर आएंगे और शाम को वो कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भाजपा कार्यालय में बैठक कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके अलावा जो वॉल राइटिंग हुए हैं, वॉल राइटिंग का एक अभियान आया है कि वॉल राइटिंग बूथ की स्तर पर होना है, उसकी शुरुआत करेंगे। साथ में जो वॉल राइटिंग और हुए हैं उनका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ 13 तारीख का कार्यक्रम तो यही कार्यक्रम है। 14 तारीख को सवेरे अपने अम्बेडकर जयंती का अवसर है और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सम्माननीय हमारे संविधान के मतलब लिखित करने वाले और भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और जो लालबाग के मैदान पे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है उसमें माल्यार्पण करना, वहाँ पर संगोष्ठी करना, ये कार्यक्रम है। साथ में वही कबीर धाम में वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सरकार हर साल कैंप और रेगुलर मदद से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही इसके बावजूद वन मंत्री गृह जिले में वन विभाग की सुरक्षा नहीं कर पा रहे और ना ही वन्य प्राणियों का जीवन बचा पा रहे हैं। यही वजह है कि जहां एक और पेड़ों की अवैध कटाई से जिले का जंगल साफ हो रहा है, तो वहीं विभाग की लापरवाही से वन्य प्राणियों की भी जान जा रही है। और पिछले दो दिनों में ही जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दो हिरण की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं हिरण की मौत के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और जानकारी छुपाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले के भोरनदेव अभ्यारण्य समेत रेखांगर के जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी हो रही है, जिसके चलते जंगल के अंदर मैदान तैयार हो रहे हैं। यही वजह है कि जानवर जंगल से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा हो गया है। जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से यहाँ खास करके कवर्धा कबीरधाम जिले में कईयों बार शिकायत हो चुकी है। वृक्षों की इतना ज़्यादा कटाई और पेड़ों की तस्करी लगातार सुनने में आ रहा है। अभी तो भोरमदेव अभ्यारण्य के आसपास के वहाँ पर की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है, रेंगाखार साइड भी कटाई हुई है,
लोगों के द्वारा शिकायत भी विभाग को मिला है, लेकिन उसके बाद भी विभाग आज तक उस विषय में चिंतन नहीं किया है। वन प्राणी इसीलिए मरते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है। देखिए, विगत 3-4 वर्षों से लगातार नरवा विकास योजना अंतर्गत वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पानी को रोकने के लिए संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इन संरचनाओं में पानी पर्याप्त मात्रा में गर्मी के दिनों में है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणवश बाहर निकल जाते हैं। तो विगत 3-4 सालों के आप डाटा का एनालिसिस करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। आप देखिए, इस साल मुझे लगता है कि केवल 2 ही घटनाएं हुई हैं। अगली खबर महासमुंद से है, जहां बेमित्रा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद को देखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने धारा 144 लगा दी है और सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन के साथ ही सार्वजनिक स्थानों में भीड़ और बेवजह घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि जिले के महासमुंद, तुम गांव, बागबहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में धारा लागू की गई है। तो वहीं बिना अनुमति के धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस निकालने पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बेमित्रा के बिरनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने इस पूरी घटना में पेट्रोल डालने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना के संदर्भ में जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हुए हैं, उन सभी पोस्ट की जाँच हो रही है। किसने सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट किए हैं, उनका उद्देश्य क्या था, सारे बिंदुओं पर जांच होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर साफ संकेत दिए हैं कि घटना के पीछे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिमांड यही है कि इसकी जांच हो। हमने दंडाधिकारी एसडीएम से जांच नहीं कराई, कमिश्नर से कराए इसकी जांच। दूसरा, उन्होंने कहा बहुत गरीब परिवार है, तो उन्होंने कहा कि कुछ आर्थिक सहायता हो जाए और मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। मुख्य उद्देश्य उनका था कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। ये तीन मांगें थी और तीनों को मैंने घोषित कर दी। आज अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतने दिन तक सोए थे, तब तक के आप आग में पेट्रोल डालने काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे थे। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, जितने भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले जितने भी पोस्ट डाले हैं, सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो जो भी इस प्रकार से करे हैं, उसके पहले जितने पोस्ट इनके द्वारा डाला गया है समाज को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, उस सब की जांच की जाएगी और उसके बाद यदि गलत पाया, कानून के दायरे में आ जाता, तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर के जनपद पंचायत भैयाथान के जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं ज्ञापन में बताया गया कि जनपद पंचायत भैयाथान में मिलेट मिशन अंतर्गत रागी फसल की मिलेट टारगेट 250 हेक्टेयर निर्धारित की गई थी, लेकिन भौतिक रूप से 250 हेक्टेयर का 20% भी फसल धरातल पर नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी जांच के लिए 3 अप्रैल को उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक जांच नहीं होने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की गई है। वहीं एक सप्ताह के अंदर जाँच नहीं की गई तो चक्का जाम करने की भी बात कही गई है। हम लोगों ने पिछले 3 तारीख को जो यहाँ के जो उप संचालक हैं कृषि विभाग के, उनको एक ज्ञापन दिया था कि मिलेट मिशन में जो भैयाथान ब्लॉक को 250 हेक्टेयर का जो टारगेट मिला था, उसका 20% भी नहीं हुआ है। आज 11 तारीख हो गया, उसमें मैं, हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे साथी भाई गणपत पाटिल जो जनपद सदस्य हैं, और एक जनपद सदस्य भाई जुगेश्वर पैकरा जी, 3 जनपद सदस्य हम लोग आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।